बैक इन मैनी वीडियो। आज की इस वाली वीडियो में आपके लिए मेटल वर्क एक NFT प्रोजेक्ट शेयर करने वाला हूं और यहां पे आपको मैं प्ले गेम्स करके आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपने जो है यहां से इनकम को जनरेट करना है और इनके जो है इस मेटल वर्क के NFTs को किस तरह से आपने परचेज़ करना है, कहां से परचेज़ करना है और साथ ही साथ आपने इनकी कम्युनिटीज़ को शेयर करके जो है आपने यहाँ पर इनकम को सेंड कैसे करना है, सारा कुछ मैं डिटेल के साथ बताने वाला हूँ। सो वीडियो के साथ जुड़े रहना, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। आई होप कि आपका यहाँ से अच्छा वाला प्रॉफिट जनरेट होगा। चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं और स्टार्टिंग में आपको मैं एक इंस्ट्रक्शन देता चलता हूं कि ये आपका खुद का रिस्क है। मैं आपको कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहा कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि क्रिप्टो में कोई भी आपको किसी भी लिहाज से आपको जो है आपको गारंटी नहीं दे सकता कि क्रिप्टो का कोई भरोसा नहीं है। सो यहाँ पे अभी तो मैं आपको मेटल वर्क के नाम से एक NFT शेयर करने वाला हूँ। इसकी जो है रेटिंग भी काफ़ी अच्छी है, फॉलोअर्स भी काफ़ी अच्छी हैं। यहाँ पे 1899 जो है यहाँ पे फॉलोअर्स हैं, ऑलमोस्ट 1900। यहाँ पे आपको NFTs परचेज करने होते हैं एटॉमिक हब के जरिए। सो यहाँ पे आपको NFTs भी देखने को मिल जाते हैं एटॉमिक हब पे। सो यहाँ पे मैं आपको फुल डिटेल के साथ बताने वाला हूँ वीडियो में। सो वीडियो के साथ जुड़े रहना, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और यहाँ पे मैं आपको इनके अल्कोर पे NM जो है NWMWM के नाम से मेटल वर्क मिंट के नाम से वैक्स जो है इसका टोकन यहाँ पे मौजूद है और इसका आप यहाँ पे लाइव चार्ट देख सकते हैं कि इसकी प्राइस अभी तक 0.00512589 है और इसने जो है काफ़ी पंप भी किया था जब लोगों ने यहाँ पे परचेज़ किया हुआ होगा, यानी कि 0.003 पर, और उसने अगर यहाँ पर आके सेल किया 0.8 पर तो उसे $1 में जो है 5x का प्रॉफिट हुआ होगा, यानी कि ऑलमोस्ट पर डॉलर पे उसको 5x यानी कि $5 एज ऑफ फ्री में जो है ट्रेडिंग करने पे मिले होंगे। सो यहाँ पे अभी फ़िलहाल हम देख सकते हैं कि यहाँ पे इनकी ट्रेडिंग चल रही है और यहाँ पे जो है इन्होंने मार्क किया हुआ यहाँ पे प्राइस को, जो जब इसने पंप किया जी यहाँ पे देख सकते हैं इसने पंप किया, उसके बाद इसने डिप वगैरह किया और यहाँ पे डंप किया थोड़ा बहुत। अभी जो है इसकी प्राइस नॉर्मल जा रही है, अगर ये 0.4 पर भी आपको ख़रीदने को मिल जाता है सो आप इसको बाय कर लें और जो है होल्ड कर लें और फ्यूचर में जो है इसकी मज़ीद इनकम जो है मीन्स के बढ़ेगी। और अगर आप मिनिमम यहाँ पर भी अगर आप आके इसको सेल करेंगे यहाँ से इसको जो है 0.4 पर आप इसको सेल करेंगे यहाँ पर सो आपको यहाँ से 4x का प्रॉफिट मिलने को देखने को मिल सकता है। सो अभी फ़िलहाल आ जाते हैं हम अपनी मेटावर्क के गेम पर। यहाँ पे आपको इनकी कम्युनिटी देखने को मिल जाती है मेटावर्क की। सो यहाँ पर भी आपने करना होगा इनकी इस कम्युनिटी को फॉलो कर देना होगा, ट्विटर की कम्युनिटी है। सो यहाँ पर बता रहे हेलो फ्रेंड, वेलकम द ऑफिशियल मेटावर्क गेम डिवेलपमेंट टीम, वी आर वेरी प्लीज्ड डैट यू हैव ऑन शो यू इंटरेस्ट इन आवर हम्बल कम्युनिटी। यहाँ पे उन्होंने वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, इन्होंने ज्वाइन कब किया है 2021 की मार्च में। इनके टोटल फॉलोइंग्स जो है वो 23 है और जो इनको फॉलो कर चुके हैं वो 1899 हैं। यहाँ पे इन्होंने पोस्ट वगैरह की हुई है अपनी, तो यहाँ पे आप इसको लाइक कर सकते हैं, रिट्वीट कर सकते हैं और कमेंट वगैरह भी कर सकते हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पे आपको मेटावर्क इनकी मैंने अभी वेबसाइट ओपन की हुई है तो यहाँ पे मैं आपको इनका कुछ ओवरव्यू दिखा देता हूँ। ओवरव्यू के साथ साथ यहाँ पे वो बता रहे हैं कि आप किस तरह से प्ले भी कर सकते हैं। सो यहाँ पे भी फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो बता रहे हैं कि वेलकम टू मेटावर्क ऑफिशियल वेबसाइट। सो यहाँ पे हम इसका नेक्स्ट पेज देख लेते हैं, ऑनलाइन मल्टीप्लेयर गेम वीए ब्लॉकचेन, और यहाँ पर जो है देखने को मिल जाता है प्रूफ ऑफ ओनरशिप, ऑल गेम यूनिट्स आर NFTs। सभी स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं, यहाँ पे बता रहा है कि हाउ टू प्ले, आप किस तरह से प्ले कर सकते हैं, लर्न हाउ टू प्ले मेटल वार। सो यहाँ पे उसने कुछ स्टेप्स वगैरह दिए हैं, इसी स्टेप्स को फॉलो करते हुए मैं आपको जो है गेम में भी बताऊंगा कि किस तरह से आप इसको जो है प्ले कर सकते हैं, साथ साथ किस तरह से अपने माइनिंग को जो है यहाँ से रेड करके माइन कर सकते हैं अपने NFTs को और जो है उससे प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी हमारे सामने यहाँ पे टाइमर भी चल रहा है, यहाँ पे आप ये टाइमर भी देख सकते हैं। उसी के साथ यहाँ पे कम्युनिटीज़ आपको दी जाती हैं तो ये भी आप इनकी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद अनबॉक्स पैक्स है अल्फा के नाम से, तो हम इस पर अभी प्रेस कर लेते हैं। इस पर जैसे ही प्रेस करेंगे तो हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस होगा, तो हम ये अपने हमें अभी यहाँ पे वैक्स लॉगिन के आइकन पर प्रेस कर देना होगा। तो यहाँ पे जैसे ही प्रेस करेंगे तो अभी हमारे सामने एक इन्फॉर्मेशन अप्रूवल मांगेगा, सो वो हमने जो है अप्रूव कर देना है। उसके बाद जो है आप अपने पैक को यहाँ से अनपैक कर सकते हैं, जो कि आपके वैक्स वैलेट क्लाउड वैलेट में आपके पास पैक होगा, उसको आप यहां से जो है अनपैक कर सकते हैं। सो यहां पे भी मेरे पास फ़िलहाल कोई भी पैक नहीं है, तो अभी मैं इसको पैक अनपैक नहीं कर सकता। तो जब मेरे पास पैक आएगा तो मैं उसको अनपैक भी कर लूँगा ईजिली। सो अभी फ़िलहाल जो है हम प्ले गेम के आइकन पर प्रेस कर लेते हैं। इस पर जैसे प्रेस करेंगे तो यहाँ पर हमारे सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस शो होगा। जब ये इस टाइप का इंटरफेस शो हो तो यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर लेना है, वेट करने के बाद आपके सामने अप्रूवल का पेज मांगेंगे, तो अप्रूव कर देना आपने इसको। और देख सकते हैं हमारे सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस शो होगा, यहाँ पर इंटर टू PvP एरिना पुश माई यूनिट्स इंटू गेम। सो मैं अभी पुश माई यूनिट्स इंटू गेम कर देता हूँ। सो यहाँ पर जैसे प्रेस करूँगा
होगा तो यहाँ पे यूनिट्स आ जाएंगे। सो यूज़ इन माई गेम, तो इस पर पहले फर्स्ट पे प्रेस करता हूँ, इस पर जैसे ही प्रेस करूँगा तो मेरे सामने अप्रूवल वाला पेज आएगा गेम से। सो मैं वैक्स क्लाउड माइनिंग क्लाउड वैलेट से अपना जो है इसको अप्रूव कर दूँगा। इसको अप्रूव करने के बाद अब ये जो है मेरा ओन हो जाएगा, ये भी जो है NFT मेरा यूज़ हो जाएगा गेम में। उसके बाद इस तरह से मैं दूसरा NFT को भी यूज़ कर सकता हूँ, इसी तरह से थर्ड फोर्थ को भी यूज़ कर सकता हूँ। सो अभी मैं फर्स्ट वाले पे अगेन से क्लिक करता हूँ, इसको अप्रूव कर देता हूँ अगेन से और आपको बता देता हूँ कि किस तरह से आपने इसको यूज़ करना है। सो यहाँ पे देख सकते हैं मिसिंग सिग्नेचर्स अकाउंट फ्यू ID जो है यहाँ पे मिस हो रही है। सो यहाँ पे मैं इसको मिस जो है मीन्स के इसको अनमिस्ड करके और यहाँ से जो है इसको मैं यूज़ कर सकता हूँ अपने इस गेम में। सो यहाँ पे अगेन से करके देखते हैं, शायद हो जाए, अगर नहीं होता तो फिर ये जो है आपने यहाँ से इसको यूज़ कर लेना है, अदरवाइज़ जो है आपने इसको रहने देना है। सो यहाँ पे अभी जो है आपके सामने अगेन से ओपन रहेगा, तो थोड़ा सा वेट कर लेना है। उसी के साथ साथ यहाँ पे जो है आप एटॉमिक हब के ज़रिए इनकी जो है मार्केट से इसको बाय कर सकते हैं। सो अभी मार्केट पे प्रेस करते हैं और यहाँ पे जो है हम स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं और सर्च कर लेते हैं यहाँ पे मेटल वार के नाम से जो है अपने इस NFT को। यहाँ पे देखते हैं मेटल वार गेम के नाम से हमारे सामने NFT आ चुका है, तो अभी इस पे को चूज़ कर लेते हैं। इसको जैसे चूज़ करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस शो होगा। सो ये मैं आपको नेक्स्ट टाइम में बता देता हूँ। उसके बाद हमारे सामने ये जो जब ये हो जाए उसके बाद यहाँ पे आप अपने शॉर्ट्स देख सकते हैं, गेट टू मैच टोकन्स कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं, इसको माइनस कर सकते हैं। इस तरह से यूनिक है, यूनिक में आप इसको जो एक्सचेंज कर सकते हैं प्लस माइनस करके, और यहाँ से ऑल करके आप जितना भी मीन्स के करना चाहें तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। सो यहाँ पे भी जो है आपको यहाँ पे नज़र आएगा मिसिंग सिग्नेचर्स हो रहे हैं। सो यहाँ पे अभी जो है दिस लिंक के ज़रिए आप अपने जो है यूनिक यूनिट्स भी बाय कर सकते हैं। उसके साथ यहाँ पे आपको पैक्स दिए जाते हैं, सो अभी नो पैक्स फाउंड, यू कैन बाय पैक्स इन दिस लिंक। सो अभी इस पर प्रेस कर लेते हैं और जो है हमारे सामने अगेन से एटॉमिक हब ओपन हो जाएगा और यहाँ से जो आप इसको परचेज कर सकते हैं, जो मैं आपको पहले बता रहा था कि किस तरह से आपने इसको परचेज करना है। हमारे सामने इनके पैक ओपन हो चुके हैं, तो अब यहाँ से आप बाय कर सकते हैं। इसको बाय के आइकन पर प्रेस करें, इसको बाय करें और जो है अपने NFT में इसको अनपैक करें, और इसके साथ यहाँ पे आपको सेटिंग में आपकी जो है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाती है। उसके बाद यहाँ पे जो है आपको इंटर टू PVP मोड नज़र आएगा इसका ऑप्शन। सो यहाँ पे आपने जैसे इस पर प्रेस कर देना होगा, इस पर जैसे ही प्रेस करेंगे तो आपके सामने PVP मोड ओपन हो जाएगा। सो यहाँ पे भी आपने करना क्या होगा, साइन इन के आइकन पे प्रेस कर देना होगा। साइन इन के आइकन पे जैसे ही प्रेस करेंगे सो आपने अपना क्लाउड वैलेट ज्वाइन कर लेना है, यानी कि अपना वैक्स वैलेट के ज़रिए इसको जो है ज्वाइन कर लेना है। और जो है मैं आपको नेक्स्ट स्टेप भी बता देता हूँ। सो अभी हमारे सामने ये ऑलमोस्ट ओपन हो चुका है। उसके बाद साइन इन के आइकन पे कर देता हूँ प्रेस। जहाँ पे साइन इन के आइकन पे जैसे ही प्रेस करूँगा तो मेरे सामने जो है साइन इन में के बाद जो है मेरे सामने अप्रूवल वाला पेज आएगा, यानी कि जो आप अरीना में चूज़ करना चाहें। एंड जो एनकोर है और जो है वैक्स वैलेट क्लाउड है, तो मैं अभी इसी को चूज़ कर लेता हूँ क्योंकि हमारे पास अभी वैक्स वैलेट मौजूद है। और जो है इसको चूज़ करने के बाद अब मैं आपको नेक्स्ट स्टेप भी बता देता हूँ। सो यहाँ पे भी थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। वेट करने के बाद हमारे सामने जो है ये अभी ट्रांजेक्शन वाला रिक्वेस्ट आएगी। सो ये हमने कर देनी होगी अप्रूव। अप्रूव करने के बाद हमारे सामने ये ओपन हो जाएगा। जैसे ये ओपन हो जाए तो थोड़ा सा वेट कर लेना है और हमारे सामने ये ऑलमोस्ट कनेक्टेड हो चुका है, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। सो इसी तरह से अभी हमने जो है इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद मैं आपको नेक्स्ट स्टेप भी बता देता हूँ कि किस तरह से आपने जो है इसमें NFTs को जो है फाइट करवा के और जो है मेटल वार रोबोट्स को जो है फाइट करवा के इनकम को जनरेट करना होगा। सो यहाँ पे भी मेरे सामने ये ओपन हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं नाउ प्लेइंग सेकंड डायमेंशन। सो अभी मेरा सेकंड डायमेंशन जो है यहाँ पे प्ले कर रहा है। उसी के साथ साथ यहाँ पे आपको मेरे ये प्लेयर्स नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पे ये मेरे NFTs हैं जो कि मैंने परचेज किए हुए थे, और यहाँ पे मेरे जो है ये प्लेयर्स आपको नज़र आ रहे होंगे कितनी अच्छी पोजीशन में मीन्स के अपनी पोजीशन संभाल के ठहरे हैं। इसी तरह से आपने फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्टेक यूनिट्स के आइकन प्रेस कर देना होगा, यहाँ से आपने इनको स्टेक कर लेना होगा। स्टेक करने का मतलब सिंपल है, जस्ट इनके आइकन पर प्रेस करना होगा। सो यहाँ पे जैसे ही प्रेस करेंगे तो आपके सामने ये जो है लोडिंग होगी, रिक्वेस्ट कन्फर्मेशन वाला ट्रांजैक्शन वाला पेज ओपन होगा। सो यहाँ पे अभी आपने थोड़ा सा वेट कर लेना है और यहाँ पे मिसिंग सिग्नेचर्स कह रहा है। सो यहाँ पे आपने इसको अप्रूव कर देना है। अप्रूव करने के बाद आपने इसको जो है परचेज कर लेना, सॉरी इसमें जो है आपने स्टेक कर देना है और जो है आपने यहाँ पे प्ले गेम्स कर देनी है। तो गाइस उसके बाद जो है आपने इन प्ले गेम्स को प्ले करना है। यहाँ से आपने स्ट्रेक करके आपने प्ले किस तरह से करना है, जैसे यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा है तो आपने यहाँ पे
किसी तरह से भी इसकी पोजीशन को चेंज कर देना है और जो है अपने NFTs को यहाँ से प्ले कर देना है। तो यहाँ पे आप जो है लुक कर सकते हैं, लुक करने के साथ साथ आप यहाँ पे अमाउंट को अप एंड डाउन कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे 5 लिख देता हूँ और यहाँ पे भी 5 लिख देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं आप इसको जो है इस पर जो है किसी भी आइकन पे प्रेस कर देता हूँ और यहाँ पे जो है मैं इसको जो है मूव कर सकता हूँ यहाँ से इजीली। और यहाँ पे मुझे इनकी पोजीशंस का इल्म होगा कि किस तरह से ये किस पोजीशन में ये जो है स्क्रो जा रही हैं। और यहाँ पे आपको जो है मेटल वॉल्स नज़र आएंगे, तो अभी इन पर हम अटैक भी कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। उसके से फाइट करके अच्छी खासी इनकम को, विक्ट्री हासिल करके अच्छी खासी इनकम को जनरेट भी कर सकते हैं। सो गाइस यहाँ से आपने जो है इनको फाइन कर लेना है, फाइन करने के साथ साथ इनसे फाइट कर लेनी है। फाइट करने का मतलब बहुत सिंपल है, आपने जब एक बार सिग्नेचर को अप्रूव कर देना है उसके बाद आपने यहाँ पे फाइट भी कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पे आपको मेटल वार में इनकी जो है यूनिट्स वगैरह नज़र आएंगे कि कौन सा यूनिट आपने कब अप्रूव किया, और इसी तरह से आपने सिग्नेचर्स को यूज़ करते हुए अपना यहाँ पे सिग्नेचर भी ऐड कर देना है। सो यहाँ पे भी हमारे सामने जो है स्विच फुल स्क्रीन करना चाहें तो हम यहाँ से कर सकते हैं। मेरा यहाँ पे आपको ये वैलेट भी नज़र आ रहा होगा, उसी के साथ साथ आपको जो है एंटर टू PVP मोड में भी आप इंटरिंग कर सकते हैं जैसा कि मैंने ऑलरेडी से किया। उसी के साथ साथ जो है आप इनको जो है बाय कर सकते हैं एटॉमिक हब के थ्रू। इनके NFTs को यहाँ पे देख सकते हैं, यूनिट बाय करना चाहें तो इनके यूनिट्स भी अवेलेबल हैं। यूनिट के साथ साथ इनके जो है कलेक्टिबल्स भी हैं यहाँ पर, तो आप कलेक्टिबल्स को भी बाय कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं काफ़ी ज़्यादा चीप प्राइस में, और ये वाला जो है काफ़ी ज़्यादा हाई प्राइस में है, $520 का, इतना ज़्यादा नहीं है। तो आप अगर क्रिप्टो करेंसी के रिलेटेड इन्वेस्टर हैं तो आप इसको बाय कर सकते हैं इसीलिए, और जो है इसको फाइटिंग भी वगैरह कर सकते हैं। इस तरह से इनके कलेक्टिबल्स की बात कर लेते हैं, कलेक्टिबल्स में भी यही आपको नज़र आ रहे होंगे। इसी तरह से इनके कलेक्टिबल्स हैं, पैक्स हैं, बॉक्स हैं, प्रोमो हैं, तो ये आप यहाँ से बाय कर सकते हैं। उसी के साथ साथ जो है आप यहाँ पर इनकी कम्युनिटी ज्वाइन कर लें, कम्युनिटी ज्वाइन करने के साथ साथ इनके जो है अल्कोहल पर इनका रेट भी देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा जो है डंप अप हो रहा है। अभी आप इसको बाय कर सकते हैं और फ्यूचर में, आने वाले फ्यूचर में जो है अच्छी खासी इनकम को भी जनरेट कर सकते हैं। सो गाइस आई होप कि आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी और जो है आप इसमें इन्वेस्टमेंट भी करेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो का बहुत बहुत ख्याल, खुदा हाफिज़।